राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द ही दादा बनने वाले हैं। उनके घर नए साल में एक नई खुशी आने वाली है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री माँ बनने वाली है। इन दिनों राजश्री दिल्ली में डॉक्टर की देखरेख में है। फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च में शुरुआती दिनों में यह नई सूचना सुनने को मिल सकती है। बता दें कि 9 दिसंबर 2021 को तेजस्वी यादव और राजश्री यादव की शादी हुई थी। दोनों ने दिल्ली में अपनी शादी रचाई थी। हालांकि शादी से पहले राजश्री यादव का नाम रेचल था, लेकिन तेजस्वी से शादी के बाद लालू यादव और रावड़ी यादव ने उन्हें नया नाम दिया। अब उन्हें राजश्री यादव के नाम से जाना जाता है। जानकारी हो कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव को अपना लेडी लक मानते हैं। पत्नी के आने के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शादी के कुछ ही महीने बाद तेजस्वी यादव विपक्ष से सरकार में आ गए थे और उन्हें नेता प्रतिपक्ष से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी शादी की पहली सालगिरह भी मनाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द ही दादा बनने वाले हैं। उनके घर नए साल में एक नई खुशी आने वाली है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री माँ बनने वाली है। इन दिनों राजश्री दिल्ली में डॉक्टर की देखरेख में है। फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च में शुरुआती दिनों में यह नई सूचना सुनने को मिल सकती है। बता दें कि 9 दिसंबर 2021 को तेजस्वी यादव और राजश्री यादव की शादी हुई थी। दोनों ने दिल्ली में अपनी शादी रचाई थी। हालांकि शादी से पहले राजश्री यादव का नाम रेचल था, लेकिन तेजस्वी से शादी के बाद लालू यादव और रावड़ी यादव ने उन्हें नया नाम दिया। अब उन्हें राजश्री यादव के नाम से जाना जाता है। जानकारी हो कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव को अपना लेडी लक मानते हैं। पत्नी के आने के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शादी के कुछ ही महीने बाद तेजस्वी यादव विपक्ष से सरकार में आ गए थे और उन्हें नेता प्रतिपक्ष से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी शादी की पहली सालगिरह भी मनाई।